हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम लोग वृंदावन में घूम रहे हैं और वृंदावन में प्रेम मंदिर हमने घूम लिया था। अब हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल में। तो आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। आप लोग मथुरा वृंदावन आए और विदेशियों के दर्शन न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ विदेशी यहाँ पे देखिए अपना हरे रामा हरे कृष्णा और राधा राधा की जाप करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ क्लिप हमने यहाँ का भी लिया है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिख रही हैं, गणेश जी और किसकी है पता नहीं। यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग 500 मीटर की दूरी पर है इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे चलेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। जैसे जैसे रास्ते में बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर प्रेम मंदिर से इस्कॉन टेम्पल की तरफ, वैसे वैसे जो पूरा रास्ता है, पूरी गलियां हैं, भक्तिमय होता चला जा रहा है। और हर इंसान के मुंह से हरे कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे राधे ऐसे जो है शब्द निकलते जा रहे हैं। तो बड़ा गजब ही मनोरम दृश्य हो गया है यहाँ पे और भक्तिमय दृश्य हो गया है। गलियों में सड़कों पर एकदम बिल्कुल वही भक्तिमय ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सभी भक्त लोग राधे राधे कृष्णा कृष्णा का जाप करते हुए आपको रास्ते भर मिल जाएंगे। और हम लोग भी जा रहे हैं तो यही बातें कर रहे हैं। यहाँ पे इतना भक्तिमय माहौल हो गया है कि सभी लोगों के मुंह से राधे राधे कृष्णा कृष्णा का जाप मंत्र जाप करते हुए सभी लोग जा रहे हैं। और देखिए आप भी, यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं और अभी इसके बाद कुछ विदेशी भी दिख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर हम लोग जा सकते हैं और जाते भी हैं। और यहाँ पे लग जाती है बड़ी सी लाइन, इस लाइन में हमें भी लगना है। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। उस लाइन में हम लोग लग गए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे अंदर मंदिर के। हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ और इधर भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। लाइन में लगे हुए हैं हम लोग, पता नहीं आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही। रेसू इधर आओ, गुम हो जाओगी, कोई उठा ले जाएगा। अंदर ही हम लोगों का जूता वगैरह जो है जमा हो गया है, टोकन वोकन मिल गया है। अब हम लोग जो है पूरा इस्कॉन टेम्पल घूमेंगे चल कर के, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, इस्कॉन टेम्पल के अंदर। हे दोस्तों, हम लोग इस्कॉन टेम्पल के अंदर आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में हम लोग कुछ दर्शन करने वाली जगह छोड़ देते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जा ही नहीं पाते। और ऊपर मंदिर जो है बंद हो गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग बंद कर दिए मंदिर को। नीचे हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा, दर्शन किया और वो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे विदेशियों लोगों को देखिए भरमार है। यहाँ पे भी चल रहा है कीर्तन भजन। और यहाँ के ये मंदिर में देखिए किसकी किसकी प्रतिमा लगी हुई है। और आपको मैं दिखाती हूँ राधा कृष्ण जी की यहाँ पे छवि, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे सभी लोग झूम उठे हैं, डांस करने लगे हैं और देख सकते हैं सब एकदम माहौल यहाँ पे भक्तिमय हो गया है। तो सभी लोगों ने यहाँ पे डांस किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन को सुकून मिला। तो आप लोग भी वृंदावन जरूर आएँ इस्कॉन टेम्पल में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विदेशियों की भीड़ रहती है और यहाँ पे सभी लोग हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए डांस करते हैं, थिरकते हैं। तो यहाँ पे बहुत आनंदित हुआ मन और बहुत ही अच्छा लगा देख। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
कार्यक्रम जो है विदेशी भक्तों द्वारा चल रहा है और लोग यहाँ फ्रंट में डांस कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया भक्ति में जो है वातावरण हो रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे डांस करके और यहाँ का दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही भक्तिमय हो गया था माहौल। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। बाहर आने के बाद कुछ थोड़ी देर हम लोगों ने बाहर भी टहला घूमा, देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। यहाँ पे विदेशियों की बहुत ही भरमार रहती है वृंदावन मथुरा में। विदेशी लोगों का बहुत ही रहता है यहाँ पे आना जाना। तो यहाँ पे सभी लोग बाहर भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अपना आराम भी कर रहे हैं। तो सब घूमने के बाद यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही मन को लुभाने वाली। देखिए यहाँ पे एक एक सीनरी बनी हुई है। अब हम लोग आ जाते हैं बाहर की तरफ। देखिए यहाँ